Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I very welcome you all students to this our Municipal Corporation of Greater Mumbai's virtual training centers video online session. So students, today we are going to learn about symmetry. In last session also I discussed the symmetry. हमने इससे पहले के सेशन में भी बच्चों बुनियादी मालूमात तशाकुल के ताल्लुक से हासिल की थी. इस सेशन में हम थोड़ा सा हल्का सा याद करेंगे और उसके बाद आगे जो है तो सिमेट्री ड्राइंग के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसे हम तरसीमी कागज़ पर मुतशाकुल शक्लें किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में आज के सेशन में ख़ास तौर पर हम सीखने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे कि बच्चों आप इस शक्ल का मुशाहदा कर रहे हैं, इस शक्ल में हूबहू एक बिल्ली नज़र आ रही है आपको, है ना. तो हूबहू जो शक्ल होती है आमतौर पर एक शक्ल की तरह की दूसरी शक्ल हमें अगर कहीं नज़र आती है, जैसे इन शक्लों का मुशाहदा कर रहे हैं हम, ताजमहल को देख रहे हैं, पानी में देख रहे हैं, है ना, और एक ताजमहल की जो बिल्डिंग है, जो इमारत है जो खड़ी हुई है, उस इमारत का मुशाहदा कर रहे हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं और पहाड़ों का अक्स नदी में किस तरह से नज़र आ रहा है उसका मुशाहदा कर रहे हैं हम, तो हूबहू आप देखेंगे कि अक्स हमें दिखाई दे रहा है ना, वो चीज़ नहीं है. ताजमहल की इमारत ऊपर है लेकिन उसका अक्स नीचे है, है ना. पहाड़ जो है, बर्फीले पहाड़ हमें नज़र आ रहे हैं, बर्फीली चट्टाने हमें नज़र आ रही है, वो हमें खड़ी हुई दिखाई दे रही है, और उसके नीचे आप देखेंगे कि नदी है और नदी में अक्स किस तरह से नज़र आ रहा है. तो इस चीज़ का हम यहाँ पर इन शक्लों में, इन तस्वीरों में यहाँ पर हम इसका मुशाहदा कर रहे हैं. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नदी पर उड़ते हुए इस परिंदे को हम देख पा रहे हैं ना. तो यहाँ पर हम देखेंगे इन शक्लों से आपको ज़रूर से इनका अक्स दिखाई दे रहा है ना. तो इस अक्स को हम कागज़ पर किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हमें ये अक्स दिखाई देता है. जैसे अगर तितली को हम देखते हैं, तितली के दो परों का मुशाहदा करते हैं, तो आप देखेंगे कि तितली का एक पर दूसरे पर के मानिंद बिल्कुल मुशाबा, बिल्कुल उसी तरह से हूबहू नज़र आता है ना. अगर हम बारहसिंगा के सिंग अगर देखते हैं तो सिमिलर आपको सिंग में वो मोड़, वो जो आप देखते हैं कि उसमें कर्व जो है वो नज़र आता है ना. तो इस तरह की जो शक्लें होती हैं आमतौर पर, इन शक्लों में हम जो है तो कहीं ना कहीं सिमेट्री को समझते हैं, कहीं ना कहीं हम जो है तो तशाकुल को यहाँ पर हमें दिखाई देता है ना. तो हमने देखा है ये अक्सी तशाकुल जो है या रिफ्लेक्शनल सिमेट्री जो है तो वो क्या है. इफ अ सिमेट्रिकल फिगर गेट्स डिवाइडेड बाय एन एक्सिस इन द फिगर इनटू टू पार्ट्स व्हिच फेल एग्जैक्टली ऑन ईच अदर, इट्स सिमेट्री इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, है ना. वो शक्ल जो शक्ल में वाक़ किसी महवर की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो, वो हिस्से एक दूसरे पर मुंतबक होते हों, तब इसे अक्सी मुतशाकुल कहते हैं. ठीक है, ये बात हमने यहाँ पर सीखी है. इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अक्सर हम जब क्राफ्ट में अगर मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं उसमें आप हमेशा फोल्ड करते हैं ना, प्रॉपर आप पेपर का फोल्ड करते हैं, तो तब आप कहीं जाकर देखते हैं कि इसमें जो है तो बहुत अच्छी शक्ल या बहुत अच्छी जो हमारी जो चीज़ हमें बनानी होती है वो प्रॉपरली जो ऑब्जेक्ट हमें तैयार करना होता है वो हमें बराबर बनते हुए दिखाई देता है ना. तो इस तरह से आप अक्सर से फोल्ड करते हैं ट्राइंगुलर टाइप में और अलग अलग शेप में आप अक्सर से जो है तो टाइप करते हैं, ये हमने देखा है. यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये बच्चा आपको क्या कैसे नज़र आ रहा है, कहाँ देख रहा है, है ना. चिंपांजी को देखिए, चिंपांजी कहाँ देख रहा है ना. चिंपांजी के लिए एक बहुत ही अलग मंजर है यहाँ पर जो हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, है ना. चिंपांजी ने जो है तो कभी अपने आप को आईने में देखा है, नहीं देखा है डेफिनेटली. अचानक जो है तो कुछ जो भी उसका मुशाहदा करने वाले हैं चिंपांजी पर आपको अक्सर ऐसे तजुर्बात दिखाई देते हैं, और उन तजुर्बात का ही एक ये तजुर्बा हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो उस पर किया गया एक तजुर्बा है कि उसके सामने जो है तो आईना लगा दिया गया, और वो आईने में अपने आप को देख कर किस तरह से महसूस कर रहा है कि वहाँ पर कोई और दिखाई दे रहा है उसे, है ना.
जबकि हम ये समझ रहे हैं कि अक्स में वही दिखाई दे रहा है ना, इसी तरह से हम देखते हैं कि बच्चा जो होता है छोटा, वो भी आईने में अपने आप अपनी हूबहू शक्ल का कोई दूसरा बच्चा है उसको टच करने की देख कोशिश कर रहा है और किस तरह से वो गिर रहा है ना, ये दोनों शक्लों का आप मुशाहिदा कर रहे हैं। मजेदार शक्लें हैं, मजा भी आ रहा होगा आपको देखकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह की जो हूबहू शक्लें हैं वो शक्लें पेपर पर जब हम लेते हैं उस पेपर को हम तरसीमी कागज कहते हैं। क्या कहते हैं? तरसीमी कागज। और इस तरसीमी कागज पर हम जो है तो मुतशाकुल शक्लें किस तरह से बनाते हैं, ड्राइंग सिमेट्रिकल फिगर ऑन ग्राफ पेपर। इन दिस टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक और हाउ टू ड्रॉ अ फिगर ऑन ग्राफ पेपर। ओके, so the symmetrical figures we are going today to learn about the symmetrical figures, how to draw it on the graph paper. So students, you are observing that these are the figures which is exactly you are seeing, you are looking that these two figures when joined with each other, one new figure is looking here, right? यहाँ पर हम देख सकते हैं एक तरह की शक्लें हमने यहाँ पर लगाई है, एंड एवरी टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसी तरह का मुसल्लस, इसी तरह का ट्राइंगल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना। ओके, सो एवरी पार्ट यू आर ऑब्जर्विंग इज सिमिलर एज दिस पार्ट इज कंसर्न। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर जो कुछ तस्वीरें हैं, कुछ शक्लें हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक शक्ल को देख रहे हैं ना, तो आप देखते हैं कि जब हम लाइन खींचते हैं और वहां से अगर किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो आप देखेंगे प्रॉपरली इट इज डिवाइड इनटू टू पेपर, इनटू टू पार्ट। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शक्ल में कि किस तरह से ये जो हिस्सा है दो हिस्सों में किस तरह से ये तब्दील होता है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हिस्से को हमने यहाँ पर जब लाइन इस पर खींची है, लाइन खींचने के बाद आपने देखा उसको किस तरह से वो फोल्ड होता है। तो इस तरह से हम अक्सर से मुशाहिदा करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर किस तरह से फोल्ड हो रहा है, आप देख पा रहे हैं इसे। हम देखते हैं कि अगर हम किसी शक्ल को तय करें और दोनों हिस्से, दोनों निसफ हिस्से एक जैसे हों, तो हम कहते हैं कि शक्ल मुतशाकुल है, वो तह मोड़ जो है शक्ल का तशाकुली महवर है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, सो मिरर इमेजेस आर परफेक्ट एज यू आर ऑलरेडी ऑब्जर्व हियर, राइट? सो द मिरर इमेजेस आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एनी ऑब्जेक्ट ऑन वन साइड ऑफ द मिरर इज डुप्लीकेट ऑन द अदर साइड, दिस नोन एज द रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सो यहाँ पर हमने बच्चों जो कुछ अभी सीखा है उसे यहाँ पर हम ऑन पेपर देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए जैसी शक्ल है हूबहू इसी तरह की शक्ल हमने इस तरफ ड्रॉ की है ना। आप देखेंगे इस तरफ से इस तरफ लाया हमने उसे, देखेंगे आप सिमिलर एक जो है तो परफेक्ट डिजाइन आपको दिखाई दे रही है, एक परफेक्ट शक्ल आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना। तो यहाँ पर मजीद जो है तो इस पेपर पर, इस ग्राफ पेपर पर जो है तो एक सिमेट्रिकल फिगर को ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ड्राइंग अ सिमेट्रिकल फिगर ऑन अ ग्राफ पेपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लुकिंग हियर, वन लाइन इज ऑन योर स्क्रीन, ए बी इज द लाइन हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मार्क अ लाइन एल on this paper. Okay, so a line A is drawn on the graph paper. है ना, तरसीमी कागज पर हमने यहाँ पर खत L खींचा है और the line segment AB drawn on the left side of the line. ये left side में जो है तो हमने यहाँ पर एक AB जो है तो एक कतह खत खींचा है, ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ पर के टेक अ पॉइंट ए एंड बी एज फार ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन एल एज ए एंड बी ऑन द लेफ्ट साइड।
यहाँ पर हमें जो है तो इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रहा है कि नुकात जो ए हैं और भी है, खत एल के दाएं जानिब इतने ही फासले पर लीजिए जितने फासले पर बाएं जानिब ए और बी है। ठीक है, सो टेक ए एंड बी एज फार ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन एज ए एंड बी ऑन द लेफ्ट साइड। सो जस्ट यहाँ पर हमने देखा कितने फासले पर है ये, उतने फासले पर हमने इसे यहाँ पर देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है 1 2 3 4, है ना, 4 यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये पॉइंट है। 4 पॉइंट के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ तक मार्क कर देंगे और एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ किया हमने लाइन, यहाँ पर ए हो गया ये। ठीक है, द पॉइंट ए एंड बी आर द इमेजेस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। अब यहाँ पर ए हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, और ये बी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ए बी हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया है, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ पर हमने मार्क किया है इसे। ठीक है, यहाँ पे मार्क किया, अब इन दोनों को हमें मिला देना है। ओके, ये मिला दिया हमने यहाँ पर इसे इस तरह से। सो द पॉइंट ए बी आर द इमेजेस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन एल। सो सेगमेंट ए बी इज अ सेमेट्रिकल टू सेग ए बी। यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि जो किता ए बी है, ये किता जो ए बी है, ये किता ए बी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो आपको ए बी किता ए बी से जो है तो मुतशाकुल है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ए सेक ए बी इज सेमेट्रिकल टू सेक ए बी। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज हमने यहाँ पर सीखना है आज। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली ड्रॉ दिस वन। ओके, चलिए इसी पर बेस करते हुए हमारी जो है तो प्रैक्टिस सेट है, जो हमारी टेक्स्ट बुक से हमने लिया है। ओके, सो अलोंग ईच फिगर शोन बिलो अ लाइन एल हैज बीन ड्रॉन, कंप्लीट द सेमेट्रिकल फिगर बाय ड्रॉइंग फिगर ऑन द अदर साइड सच दैट द लाइन एल बिकम्स द लाइन ऑफ सेमेट्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लाइन ऑफ सेमेट्री है यहाँ पर एल, ये वाली। ठीक है, अब इसी से हमें यहाँ पर जो है तो सिमिलर जैसे फिगर दिखाई दे रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर हमें दूसरा फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैल में कुछ अशकाल दी हुई है, इनके करीब खत एल बनाया गया है। खत एल को तशाकुली महवर समझ के इसके दूसरी जानिब शक्लें बनाकर मुतशाकुल शक्लें मुकम्मल करना है। ठीक है, तो सबसे हम देखेंगे नुक्तादार खतूत से मुतशाकुल शक्लें मुकम्मल करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जितना इसका यहाँ पर लेंथ है उतनी ही लेंथ हमें नीचे लानी है। ओके, आप देखेंगे ये लाया हमने यहाँ पर, उतना ही लाइन लाया है जितना लाइन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है अभी, राइट की लाइन। ओके, सो राइट ऑन द डाउन साइड, देन दिस लाइन भी ऑन डाउन साइड, ये लाइन देख सकते हैं आप, इस लाइन को नीचे हमने खींचा इस तरह से, फिर ये लाइन है, ये लाइन को यहाँ पर हमने इस तरह से खींचा है, देन दिस स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये दिस इज द एंड पॉइंट। ओके, तो एंड पॉइंट हमने यहाँ पर खींचा है, देखिए आप। अब अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल नजर आएगा कि दिस इज अ वन टाइप ऑफ मिरर फिगर, है ना, आप देखेंगे इसको आपको कि अक्स आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना। ये तशाकुल आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मुतशाकुल शक्लें बिल्कुल नजर आ रही है ना, आप देखेंगे अगर इसको कटिंग करके आप रख देंगे हुबहू उसके ऊपर रखी जा सकती है ये शक्ल, है ना, यहाँ पर बिल्कुल ये शक्ल को अगर हमने काट के रखा तो इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब ये नेक्स्ट जो आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पर, इस फिगर का ऑब्जर्वेशन करते हैं हम यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, सिमिलर हमें यहाँ पर खींचना है, फिर यहाँ खींचना है। ओके, सो हेयर यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह का फिगर हमें राइट हैंड साइड में खींचना है, ये खींचा हमने। ठीक है, फिर उसके नीचे आप देखेंगे ये जैसा मार्क किया है ऐसा ही हमें यहाँ पर भी मार्क करना है। ओके, आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं किस तरह से मार्किंग हो रही है, सिमिलर मार्क हमें राइट हैंड साइड में भी करना है।
okay? So it is very simple, students. You can do it very easily. Okay, now you'll move for the next, this question. Here is a simple one. Triangle is here. So we are supposed to make it on the right side. So right side में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ये figure draw किया है, ये figure draw किया है, ये figure draw किया है, okay? So similar ये figure जितने draw किया है उतना ही right में हमें लेना है, ये हमारा triangle यहाँ पर ready हो गया, okay? तो आप देखेंगे बच्चों इस तरह से हम बहुत easily कोई भी figure जो है तो symmetrical figure हम बहुत ही easy way में बना सकते हैं, okay? तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन में जो कुछ भी मालूमात हमने दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर ये फिगर को ऑब्जर्व करें, देखें क्या दिखाई दे रहा है। सिमिलर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, सेम कॉपी में दिखाई दे रही हैं, ओके। नाउ ऑब्जर्व दिस फिगर ऑल्सो। अब ये जो काम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, ये आपका होमवर्क है। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, you are supposed to do it from yourself. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मजीद वीडियो मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है, ओके। तो बच्चों ये होमवर्क आप ज़रूर से पूरा करें। जो एक्सरसाइज है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 21, इसको आपको कंप्लीट करना है। 20 प्रैक्टिस सेट है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है और अपने टीचर को बताना है, ओके। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you are supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box. So kindly fill that form. तो बच्चों आपको session के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।